तो ये 10th क्लास का वीडियो हमने बहुत दिन से छोड़ दिया था बनाने के लिए, लेकिन आज फिर जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और हमारा काम भी कुछ ऐसा था कि हम उसमें वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, लेकिन अब काम से हम फुर्सत में आ गए हैं तो फिर से वीडियो बना के आप लोग को दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का लगभग लगभग टर्म निकालना, उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बता दिए थे, और इसका हमने n पदों का योगफल के फॉर्मूला भी बता दिया था। तो आज जो है सो n पदों के योगफल के फॉर्मूला से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। 2-3 इसका टाइप्स है जिसको बता देने के बाद आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ना है हमको, तो समांतर श्रेणी के जो आज हम लोग को जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो योग से संबंधित। तो मैंने क्वेश्चन लिया है कि समांतर श्रेणी के 10वां एवं 9वां पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी इसमें दो क्वेश्चन नीत है, एक तो 10वां पद है और दूसरा 9वां पद है। तो 10वां और 9वां पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन वो एग्जाम्पल एपी का होना चाहिए, सीधा सीधी बात। तो आप समझ लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 4, 6, 8 ऐसे, दूसरा एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12, तीसरा लिया 4, 8, 12, 16, 20, जिसमें मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ और दो क्वेश्चन आप लोग को अपने से बनाना है ताकि आप लोग सीख जाए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसमें आप लिखो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख दो। उसके बाद शुरुआत वाले टर्म को हम लोग ए बोलते हैं और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने के बाद हमको डी प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चन बनाने का शुरुआत करेंगे तो उसमें दो चीज़ को खोजना होता है, ए डी को, और ए और डी जो मिल जाता है तो हमें देखना होता है कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो जो पूछता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो भैया यहाँ पे ए 2 है और डी हमको 4-2 करने से मिल गया 2, ए और डी मिल गया। अब एनवा पदों का जो योगफल का फॉर्मूला है वो तो ये है, एस एन इजकल टू एन बाई 2 × 2a + n − 1 × d। अब इस एनवा पद के जगह पर कैमा पद निकलना है 10वां, तो जहां एन है वहां पे 10 पुट कर दिए। यहां पर अगर 15 रहता तो एन की जगह पर 15 पुट करते, 20 रहता तो 20 पुट करते, 30 रहता 30 पुट करते। हमको पूछ रहा है सर एनवा, यानी एनवा पद के यहां पे 10वां, तो एनवा पद के फॉर्मूला लिख दिया और हमको 10वां पूछा इसलिए एन के जगह पे 10 पुट कर दिए। तो यहां जब एन के जगह पे 10 हो गया तो इस फॉर्मूला में जहां जहां एन है वहां वहां 10 हो जाएगा। और ए का मान आपको पता है, डी का मान आपको पता है, सबको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यहां पे 10 रख के देखिए एन के जगह पे 10 10/2, यहां 2 × 2 लिख दिए। क्यों? क्योंकि ए के जगह पे 2 है, प्लस एन के जगह पे 10 रखना है, n − 1 × d के जगह पर ये, तो अब ये मान हमने रख दिया। अब यहां 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ ही जाएगा, 2 में 2 से गुना करो 4 आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में 2 से गुना किया 18 4 22 हो गया। यहां पे 5 है, बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है, 22 × 5 की 110 आ गया। अब ये 110 आंसर हो गया, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अगर आप जोड़ोगे कहां तक, तो 10 तक, तो उसका जो योगफल होगा वो 110 ही होगा। इसको चेक करने के, अपने मन की शंका को मिटाने के लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके आप 10 पद तक जाओगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आगे बढ़ोगे, 16 फिर यहां पे 18 यहां पे 20। अब इस सब को तुम जोड़ के देखोगे तो तुमको 110 ही आएगा, इसका मतलब ये होता है। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख दिए। अब यहां पे समांतर श्रेणी के 10वां पदों का योगफल, यानी ये पद है और इसको योगफल है, ये जोड़ना पड़े। कहीं कहीं आपको ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसको दे देगा कि 2 + 4 + 6 + 8 है ।। अतः पूछेगा 10वां पदों का योगफल ज्ञात करें, तब भी हमको टेंशन नहीं लेना है। ये पद है, इस पद का योगफल लिखने का मतलब, पद माने टर्म होता है,
तो मैंने टर्म पहले लिखा, उसके बाद युगफल बनाया। तो इसमें इस स्टाइल में लिखे या ऐसे लिख दे, हमको परेशान नहीं होना। चलिए हो गया। अब दूसरा प्रश्न है हमको एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला तो हम यही जानते हैं, तो एनवा पद का फॉर्मूला लिख दिया। एनवा पद के फॉर्मूला को लिख के एन बाई टू कर दिए, जो था ए का मान और डी का मान वो रख दिए, एन बाई टू हो गया, दो दूनी चार प्लस टू एन माइनस टू कर दिए, चार में से दो गया दो बच गया, टू को कॉमन कर लिए कट गया, यहाँ पर एन इंटू एन प्लस वन हो गया। अब आपकी इच्छा है कि एनवा पद के ए और डी का मान निकाले, ये जो फॉर्मूला बना, ये जो आंसर आया, उसको अगर तुमको चेक करना है तो तू अभी जो आपने दसवां पद निकाला 110, यहाँ एन के जगह प्लस करके देख लो, 10 गुने 10 प्लस 1 11 गुने 10 करो 110 आ जाएगी, वही चीज आ गया। यानी कि ये फॉर्मूला एक ऐसी फॉर्मूला है जो एपी के अगर टर्म दिया हुआ है तो हम बहुत सारे पदों का युगफल बहुत कम समय में निकाल सकते। तो ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, ए खोजो डी खोजो, जो निकालने के लिए कहे इस फॉर्मूला को रख के रख दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो आप लोग इसी के आधार पर दो और तीन नंबर एग्जाम्पल बना लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आपके पास आएगा, है ना। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या है कि एक एपी के एनवा एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल मतलब ये हो गया एसएन, ये एसएन है जिसका बीसवा पद ज्ञात कीजिए, जिसका हमको 20 टर्म को ज्ञात करना है, समझ गए। तो एसएन दिया हुआ है, तो एसएन आप ले लीजिए। अब एसएन से टीएन को निकालने के लिए हम फार्मूला आपको लिखवाए थे और बताए थे कि टीएन इजिकल टू फार्मूला होता है एसएन माइनस एसएन माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एस एन और एस एन माइनस वन, तो यहाँ एस एन तो दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है एस एन माइनस वन। तो एस एन दिया हुआ है, एन माइनस वन मतलब इस एन के जगह पर एन माइनस वन रखना है, तो एस एन जो है उसको उतार दीजिए। और तो यहाँ पर देखिए कि एस एन दिया हुआ है, तो एस एन के जगह पर जो है उसको उतार दीजिए। अब माइनस यहाँ पर क्या है एस एन माइनस वन, तो जहाँ जहाँ एन है तहाँ तहाँ रखना है एन माइनस वन। देखिए यहाँ एन है तो यहाँ एन माइनस वन कर दिए, स्क्वायर टू स्क्वायर कर दिए, बटा में टू कर दिए, फिर यहाँ पे एन है तो एन माइनस वन कर दिए, बटा में टू है तो टू कर दिए, बस इतना ही काम करना है। अब क्या है कि इसका ब्रैकेट तोड़ लीजिए, ये जैसे के तैसे उतर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप तोड़ोगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा दोगे, पाँच से मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आ जाएगा, यहाँ थ्री में एन से गुणा करोगे थ्री एन माइनस थ्री कर दोगे। अब देख लो तू फाइव एन स्क्वायर है बटा में टू है तो फाइव एन स्क्वायर माइनस फाइव एन स्क्वायर बाई टू लिख दिए। यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर कितना है दस एन है और यहाँ पर कितना है थ्री एन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10n में 2 से भाग दोगे तो कितना 5n, तो माइनस माइनस प्लस 5n लिख दिए। और यहाँ 3n बाई 2 है 3n बाई 2 तो 3n बाई 2 लिख दिए। और यहाँ पर देखो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 2 बटे 2 करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस में 3n बाई 2 प्लस में 3n बाई 2 कट गया, माइनस में फाइव एन स्क्वायर बाई टू प्लस में फाइव एन स्क्वायर बाई टू कट गया, तो बाकी कितना बचा इतना, इसी को हम लिख दिए, यही मेरा टी एन हो गया। अब इसका 20 टर्म कहा, तो जहाँ जहाँ एन है तहाँ तहाँ 20 रख दो, तो यहाँ पर 20 रखोगे तो क्या बचेगा, 20 में 5 से गुना करोगे 100 माइनस 1 99 हो गया। तो एस एन अगर दिया हुआ है तो हम टी एन आसानी से निकाल देंगे इस फॉर्मूला पर बैठा के, समझे। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो बहुत सारे आपको बुक में मिलेगा, एस एन दिया रहेगा टी एन निकालने के लिए इस फॉर्मूला को लगा दोगे। दूसरा मेथड भी इसका है बनाने का कि एस एन से हमको टी एन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग 1 2 3 रख देंगे, 1 रखेंगे 2 रखेंगे और ये हमारा एक टर्म बन जाएगा।
टर्म जब बन जाएगा तो एक दो तीन इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो ये जो टर्म निकलेगा ना लास्ट टर्म, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, टीएन बन जाएगा। और फिर वहाँ से हम लोग मान रखेंगे, लंबा प्रोसेस है, इसलिए सिंपल इस प्रोसेस से आप बना सकते हो। अब ये लास्ट टाइप क्वेश्चन है, ये पढ़ लेने के बाद आपको सारा क्वेश्चन एपी का बन जाएगा। तो ये देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा और पंद्रहवा पद है ना, क्रमशः 13 और माइनस 17 है। मतलब जो पहले पद में जो हम लोग पढ़ते थे वही चीज़ है, यानी पांचवा पद कितना है 13 है और पंद्रहवा पद माइनस 17 है। तो इसके 21 पदों का उपयोग करें, मतलब जो 21 पद जो इसका होगा, इस दोनों से जो 21 पद बनेंगे उसका योगफल कितना होगा, ये प्रश्न कह रहा है। तो आपको ए पता नहीं है, डी पता नहीं है। मैंने बोला था कि ए पी को बनाने के लिए दो चीज़ मुझे चाहिए, ए और डी। तो इसमें ए और डी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया होगा, तो आपको मानना होगा कि माना कि ए पी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो आपको प्रश्न से पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, या प्रश्न से, प्रश्न से आप देख सकते हो कि क्या है, कि प्रश्न से T5=13 है तो T5=13 लिख देना। और T5 है तो फार्मूला हम जानते हैं कि T5 के लिए A+(n-1)(d) होता है, तो n कितना है 5 है, तो A+(5-1)(d)=13 ए, और 5 में से गया तो 4 बचेगा, तो A+(4d)=13। और ये समीकरण नंबर एक। और आप देखो T15 यहाँ पे 15 और T15=-17, तो जब यहाँ पे 5 था तो 4d लिखते थे, यहाँ 15 है तो क्या लिखें, 14d=-17। ये समीकरण एक और समीकरण दो हो गए। अब सिंपल बात है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब समीकरण बनने लगे टर्म का तो दोनों को घटा देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मैंने वही लिखा आप समीकरण एक माइनस दो से, समीकरण एक आपको दिया हुआ है, समीकरण दो दिया हुआ है, दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद चीनी क्या होता है, बदल जाता है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब ए से ए कट गया, यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, 4 में से 14 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस 10 बचा, यहाँ पे प्लस है, 13 और 17 को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ से डी का मान निकल गया -3। अब -3 को किसी समीकरण एक या दो में रख दोगे तो एक का मान निकल जाएगा, तो डी का मान समीकरण एक में रख दिए, तो जहाँ जहाँ डी था तहाँ तहाँ -3 रख दिए, यहाँ देखो डी के जगह पे -3, 4×-3 देख लो, 4×-3 लिखा हुआ है, 13 है तो 13 है। अब देखो ए है, ये माइनस प्लस माइनस होता है, 4×3=12 हो गया, 13 हो गया, ये माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा, 13 और 12 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। ए और डी हम खोज लें, हमको निकालना है 21, एस 21 बराबर वाट, तो एस 21 के लिए फार्मूला एन था तो n/2 लिखते थे, 21 है तो 21/2 into 2 ए ए की जगह पे 25 प्लस n-1 एन की जगह पर 21 -1 डी की जगह पे -3 रख दिया। रखने के बाद 2 में 25 से गुना करोगे 50 हो जाएगा, 21 में 1 घटाओगे तो 20 हो जाएगा, -3 से गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 20×60 हो गया, 50 में से 60 जाएगा तो -10 बचेगा, और -10 में 2 से भाग दोगे तो -5 हो जाएगा, -5×21=-105। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका हो, तो टर्म दिया रहा है सम निकालने के लिए तभी बन जाएगा। तो आप 10th बोर्ड के लिए एपी का आज चैप्टर समांतर श्रेणी समाप्त हुआ। यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसको आप मैक्सिमम बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों में फैलाने का प्रयास करें, ताकि उनका जो है भविष्य उज्ज्वल बन सके। जय हिंद, जय भारत।